दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रावण जैसा महान व्यक्ति पूरे दुनिया में नहीं था। रावण के जैसा महान व्यक्ति पूरे दुनिया में नहीं था, ठीक है। रावण को दशानन कहा जाता था, दशानन, जिनके दस सर थे, अलग अलग सर थे, समझ में आ रहा है। और राम के जो पिता थे उनका नाम था दशरथ, दशानन दशरथ, दोनों दस ही थे, दोनों दस ही थे। लेकिन एक दशरथ के राम जो थे वो बेटे बने और एक दस को उन्होंने मार दिया। एक के बेटे बने और एक को मार दिया। तो बात समझो, बात यहाँ पे हमको क्या समझना है, देखो कहानी बस ये बताना है हमको, कहानी बस ये समझाना है आपको कि रावण, राम, ये भगवान, गीता, कुरान, पुराण, जो भी चीजें है, ये सारी चीजें आपको बस एक ही चीजें बताती है कि आप अपने अंदर अच्छाई को लाओ और बुराई को हटाओ। इनका मतलब बाकी और कुछ नहीं है। ये पूरा रामायण है, जो पूरा गीता है, या जो भी इनकी सबका अपना जो भी धर्म है, जो भी उनका वेद है, पुराण है, जो भी कुछ है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि वो अपने धर्म में अच्छी चीजों का प्रचार करे। कोई भी बुराई का प्रचार नहीं करता, कोई गलत चीजों का प्रचार कोई करेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे एक दशरथ, दशरथ के बेटे ने, मतलब भगवान श्री राम ने दशानन को मार दिया। दशानन को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने, क्योंकि उसके दस सर थे। सर कितने थे उसके? दस। दस सर का मतलब क्या होता है? आज इंसान का चेहरा हर जगह बदल जाता है, वो इंसान से आप हर वक्त बचो जो इंसान का चेहरा हर वक्त बदलता है। तुम्हारे सामने कुछ और है, तुम्हारे पीछे कुछ, सही बात है। उसके साथ में कुछ और है तो उसके साथ में। उन्होंने यही बोला कि ऐसे चेहरे वाले इंसान से तुमको मार दो, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। विजयदशमी का क्या मतलब? यही होता है, ये चेहरे वाले लोग, बुरे लोग, जितने भी लोग हैं, उनको आप परित्याग करो। कि मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे यार, जो कोई भी हो, अगर उनका चेहरा हर वक्त मेरे सामने बदल रहा है, आपको मालूम है कोई भी हो, तो आप उनको छोड़ दो आज के दिन, अपने ऊपर विजय पा जाओ, तो तुम्हारा विजयदशमी हो जाएगा। तुम्हारे अंदर अगर तुम ही खुद वैसे हो, तो तुम्हारे ही दस चेहरे हो, दस बार तुम ही बदलते रहते हो, हम खुद ही बदलते हैं दस बार। अभी मन में आया, चलो आज से बहुत पढ़ाई करेंगे, घर पे गया कुछ नहीं पढ़ेंगे, घर पे गए कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज से किया बहुत कंप्यूटर प्रैक्टिस करेंगे, बाद में कुछ नहीं हुआ, मुझे बहुत कुछ करना है, अच्छी जॉब करना है, अच्छी नौकरी करना है, हमने बहुत कुछ सोचा, लेकिन बाद में कुछ दोस्त मिल गए, सब भूल गए, समझ में आ रहा है। तो हमारे ही अगर दस चेहरे हो, तो अब क्या करोगे? अपने आप को ही छोड़ो। मतलब विजयदशमी के दिन बताता है कि अपने अंदर ये सब अगर कोई बुराई है, तो उन बुराइयों को आप क्या करो, आज के दिन जला दो। रावण को जलाने का मतलब यही है कि आप अपने अंदर की बुराइयों को आज के दिन क्या करो, और आपके अंदर की जो अच्छाई है उसे निकालो और उसके ऊपर काम करो। आज ऐसे लोग जो उन्होंने कोर्स कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो सीख चुके हैं, या ऐसे लोग इनके कंप्लीट होने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रहे? जो इनको मिल रहा है तो अच्छी बात है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है, बोलते हैं मैंने तो सीखा, मेरे को कुछ मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो तो है लेकिन उनके ऊपर बुरा ही ज्यादा, उन्होंने इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहा। Oh,
Thank you.